यहाँ पे हम DRDO के विसराइड के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके जो दो फ्लाइट ट्रायल हैं वो कंडक्ट किए गए हैं 28 और 29 फरवरी को। ये जो टेस्ट थे वो ओडिशा के ITR से कंडक्ट किए गए थे चांदीपुर से, और जो लॉन्चर इस्तेमाल किया गया है वो ग्राउंड बेस्ड पोर्टेबल लॉन्चर था। यहाँ पे इन टेस्ट में जो टारगेट था वो हाई स्पीड अनमैन एरियल टारगेट थे, और टारगेट को इंटरसेप्ट करने के लिए जो सिनेरियो है वो वेरी करके जो टेस्ट फायरिंग है वो कंडक्ट हुई है। तो यहाँ पे जो टेस्ट फायरिंग है वो हर तरह के फ्लाइट कंडीशन में हुई है अलग अलग टारगेट्स के लिए। विसराइड DRDO का मैन पैड है, मैन पोर्टेबल ADS है, जिसको डेवलप करने का जो प्राइम फोकस था वो LEC के अराउंड डिप्लॉयमेंट को लेके था, क्योंकि वहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है कि जो आपका एनिमी है वो माउंटेन के बीच से छुपता हुआ बच के तुरंत ही अटैक कर सकता है, तो उस तरह के टारगेट को एलिमिनेट करने के लिए ऐसे जो मैन पैड है उसकी रिक्वायरमेंट थी और एक बड़े नंबर में थी। तो यहाँ पे कन्वीनियंट यही था कि इस तरह का जो मैन पैड है वो खुद ही डेवलप कर लिया जाए, ताकि हम आगे चल के जो मास प्रोडक्शन है वो कर पाएंगे। इसको डेवलप किया है RCI ने DRDO की दूसरी लैब के साथ मिलके, और जो प्रोडक्शन है वो अभी फिलहाल अडानी करेगी। यहाँ पर जो विसराइड का डेवलपमेंट है वो इसलिए भी स्पेशल है कि कई सारी जो नई टेक्नोलॉजी है उनका इनकॉर्पोरेशन हुआ है, स्पेशली जो मिनीचराइज रिएक्शन कंट्रोल है उनको यहाँ पे डाला गया है। तो बेसिकली जो इस तरह के मिनीचराइज कंट्रोल होंगे वो आपको अलाउ करेंगे कि जो मिसाइल है वो तुरंत ही मनूवर कर सके, डायरेक्शन चेंज कर सके, और कोई भी मनूवर करने वाला टारगेट भी है तो उसको इंटरसेप्ट कर पाए। तो यहाँ पे टेक्निकली जो नंबर ऑफ स्मॉल थ्रस्टर्स हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे रिएक्शन कंट्रोल के लिए, और जो पिच रोल यो है वो आप आसानी से चेंज कर पाओगे। एवियोनिक्स यहाँ पे इंटीग्रेटेड है, और जो प्रोपल्शन मैकेनिज्म है वो डुअल थ्रस्ट मोटर दिया गया है, ताकि जब भी टारगेट के नजदीक जा रहा होगा तो इसके पास पर्याप्त एनर्जी रहेगी। तो ये सभी टेक्नोलॉजी मिलकर इसको अलाउ करेगा कि किसी भी टारगेट को एक लो ऑल्टी पे शॉर्ट रेंज पे एलिमिनेट कर सके। यहाँ पे जो लॉन्चर है उसको भी हाईली ऑप्टिमाइज किया गया है, मॉड्यूलर और कॉम्पैक्ट रखा गया है, जिससे कि जो पोर्टेबिलिटी है वो बड़ी रहे। तो ये जो एक नंबर ऑफ टारगेट है UAV हेलीकॉप्टर फाइटर जेट उन सबको एलिमिनेट कर पाएगा। जो सीकर यहाँ पे दिया गया है वो IAR C का दिया गया है। मिसाइल की जो लेंथ है वो 2 मीटर की है, और जो रेंज रहेगी वो 6 से 8 किलोमीटर के अराउंड रहेगी। जो वॉरेड है वो प्री फ्रेगमेंटेड वॉरेड रहेंगे ज्यादातर टाइम पे, ताकि टारगेट के प्रॉक्सिमिटी में भी आए तो टारगेट को नुकसान कर पाए, डिस्ट्रॉय कर पाए। जो वॉरेड है 2 kg के अराउंड का है, और जो फ्लाइट टाइम है स्पेशली प्रोपेलेंट का वो 20 सेकंड तक का है। जो इसकी स्पीड रहेगी वो 1.5 Mach के अराउंड रहेगी, और जो लॉन्च ऑल्टीट्यूड है वो 3.5 किलोमीटर ऑल्टी से भी लॉन्च किया जा सकता है। और जो कंट्रोल्स हैं वो डिजिटली कंट्रोल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंट्रोल तो है ही फिन्स के लिए, और जो रिएक्शन कंट्रोल है इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो जिस तरह से जो ट्रायल है वो कंप्लीट होते हुए दिख रहे हैं, जल्दी जो सिस्टम है प्रोडक्शन में जाता हुआ दिखेगा, और जो ऑर्डर्स हैं वो प्लेस किए जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।